please, come in. Kindly take your seat. So, Mr. Rahul. Yes, sir. Okay. So, basically, you are an engineer and you passed from NIT. Yes, sir. Okay. Then you were working in two private firms and subsequently you shifted to income tax department. Yes, sir. So, why you have not continued with your technical domain? एक्चुअली सर मैं वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा था टेक्निकल डोमेन में भी लेकिन उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आगे मैंने क्या फॉरवर्ड करने की सोचा उसके बाद मैंने इसको ज्वाइन किया उसके बाद इनकम टैक्स ज्वाइन किया अच्छा तो अभी ये डू यू थिंक दैट यू वांट टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस फॉर द बेटरमेंट और सर ग्रुप ए सर्विस और इसमें चैलेंजेस ज़्यादा हैं एक्चुअली में मैं इसी को ही Group A services, अच्छा there are so many services. Which service do you believe has got the most challenge? Sir, number one में जो IAS services. ठीक है. अच्छा number one में IAS है. Okay. So why you want to become an IAS officer? Sir, जैसे अभी मैं job कर रहा हूँ मैं income tax में हूँ IAS बन रहा हूँ. जैसे जो decision making power होती है या फिर जो challenges या diversity होती है आपके job में वो वहाँ पे भी है लेकिन वहाँ पे एक specific area में है उतना ज़्यादा role नहीं है. अच्छा लेकिन अगर मैं इस फील्ड में आता हूँ तो यहाँ पे वही चैलेंजेस मुझे ज्यादा मिलेंगे और जो डिसीजन मेकिंग भी होगी डिसीजन मेकिंग तो बहुत देर में होगी होने में लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी या सो उसके पहले तो डिसीजन मेकिंग तो ऐसा लेकिन सर अभी मैं जिस करंट पोजीशन पे हूँ उससे तो मुझे ज्यादा मतलब इनकम टैक्स का जो मेन स्ट्रीम है उससे आईएएस बनने पर ज्यादा अच्छा हो जाएगा अच्छा ठीक है आप मान लो सपोज करो कि आपको कहीं पे आप कहीं पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको बना दिया जाए और एक मॉब लिंचिंग का केस आपके सामने आता है कि भाई वो 20-25 आदमी मिलके एक आदमी की पिटाई की है तो इसमें कैसे करेंगे हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस सिचुएशन सर इसमें दो तीन चीज़ों में मुझे पहले भी काम करना पड़ेगा अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सबसे पहले उस क्षेत्र के जो भी SP या DSP हैं उनको वहाँ पर भिजवाना पड़ेगा मुझे मॉब लिंचिंग रुकवाने के साथ फोर्स के साथ और सर उसके साथ ही पैरेलली मुझे ट्राई करना पड़ेगा कि जैसे ये जो मॉब लिंचिंग के केस होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा रोल सोशल मीडिया का भी रहता है अच्छा तो वो चीज़ उसके बाद और आगे ना बढ़ जाए तो उसको रोकने के लिए मैं ट्राई करूँगा कि सोशल मीडिया या फिर टेम्पररी वहाँ पर कुछ करके बैन हो जाए या फिर लोगों को एक मैसेज भिजवाया जाए बट मोस्ट ऑफ द डिसीजंस व्हिच यू आर सेइंग हैज टू बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट उसमें तो आपका रोल नहीं रहता कोई बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं ये ऐलान करवा सकता हूँ कि मतलब ये जो इस तरह का मैसेज वायरल हो रहा है या फिर अच्छा आजकल ये किया रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट PIL हैव यू हर्ड ऑफ PIL अच्छा वो कौन से जज साहब थे जिन्होंने इसको शुरू किया सर ये PN भगवती सर के टाइम पे अच्छा तो क्या क्या अच्छा तो ये क्या आजकल ये हर चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं नाउ दिस इज अ न्यू फेनोमेनन यू नो व्हाई इट इज सो सर इसमें कहीं ना कहीं रोल गवर्नमेंट का भी आता है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको लोग गवर्नमेंट नहीं टैकल कर पाती उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या फिर कुछ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशंस के हैं कहते हैं कुछ PIL कुछ मामलों में बहुत लाभदायक भी सिद्ध हुई है आपको एक PIL बता सकते हैं जिसने कि विशेष तौर से सामाजिक सुधारों में विशेष योगदान दिया हो सर एनवायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा हुआ है जैसे एनवायरमेंट से समाज का तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सर बहुत ज़्यादा मतलब एनवायरमेंट से तो सर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि अगर आपको अच्छा। लॉन्ग टर्म में देखना है तो एनवायरमेंट के लिए अभी से आपको ट्राई करना पड़ेगा ओके हैव यू हर्ड ऑफ द विशाखा जजमेंट जी सर अच्छा अच्छा ये बताइए कहते हैं कि जो अभी बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट चेंज हुई है तो बताते हैं कि बांग्लादेश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो प्रोसेस है आगे 5 सालों में वो पाकिस्तान की GDP के बराबर भी हो जाएगा है ना जैसे उनकी 640 है इनकी 580 है ऐसा क्यों है व्हाट इज द डिफरेंस सर अभी तो जैसे बांग्लादेश की मैं देख रहा हूँ कि उसकी ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा है उसको माइराइकल ऑफ साउथ ईस्ट बोला जाता है 6% से ऊपर लगाता है उसकी ग्रोथ नहीं वो तो हवा गया दैट इज एट्रिब्यूटेड इन माय व्हाट आर द बेसिक रीजंस और सर बेसिक रीजन ये है कि सर जो इकॉनमी है इकॉनमी को आप कैसे डाइवर्स कर रहे हो जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में इकॉनमी का बहुत सारा पार्ट उनके आर्मी में भी जाता है बांग्लादेश में इतना पार्ट नहीं जाता है उसके टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको कैसे देखते हैं टेररिज्म के जो टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में दोनों की गवर्नमेंट का रोल जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म बांग्लादेश vis-a-vis टू पाकिस्तान सर पाकिस्तान को जो हम डीप स्टेट भी बोला जाता है कि वहाँ पे आर्मी का रोल बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट का रोल कम है जबकि बांग्लादेश में ऐसा नहीं है बांग्लादेश में
जो गवर्नमेंट है वही एक्चुअल में मेन गवर्नमेंट की तरह काम कर रही है। कानपुर को एक समय मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहते थे, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी वहाँ, लेबर क्लास था, बहुत अच्छा सिटी था। तो वो ऐसा क्यों हो गया कि आजकल कानपुर में जब भी कोई विकास होता है तो लोग लखनऊ का नाम ले लेते हैं, अभी वाराणसी, कानपुर का स्टेटस को वही सही है? सर ये बिल्कुल सही है, धीमे धीमे डिके होता जा रहा है। एलपीजी के बाद जो स्टेटस बाकी सिटीज का बढ़ा है, जैसे मैंने स्टडी की थी उसमें था कि बेंगलोर कानपुर से काफी पीछे था, लेकिन उसके बाद हाँ, तो मान लीजिए आपको कानपुर का जिला अधिकारी बना दिया जाए, तो आप तीन ऐसे कौन से कार्य करेंगे जिससे कि जो जिले का इंडेक्स है थोड़ा सा अच्छा हो जाए, देश के लिए इस पे अच्छा हो जाए? सर सबसे पहले तो मुझे सिटी में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने को ट्राई करना होगा। जैसे अभी जो कानपुर में प्रवास था पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी ये प्रवास बहुत कम हो चुका है, मतलब कानपुर में आने वाली पॉपुलेशन बहुत कम है। तो कैसे वो पॉपुलेशन भी बढ़े और कैसे जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े, उसके लिए मुझे लॉ एंड ऑर्डर को देखना होगा। सबसे ज़्यादा जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक करेंगे, मान लीजिए आप गए और सपोज यू हैव कॉल्ड यूएन, सपोज योर एसएसपी दे गो टू डीआईजी एंड कमिश्नर के साहब हमारे पास ये स्कीम है, इससे हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, तो आप तीन इंग्रेडिएंट बताइए बाय विच यू आर गोइंग टू इंप्रूव द लॉ एंड ऑर्डर। सर सबसे पहले मुझे लगता है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स सर, जैसे पहले वहाँ पे जो व्यापारी थे, व्यापारियों को उठाना, उनको धमकाना, ये सब केसेस बहुत होते रहे। अच्छा, जो रिसेंटली अब धीमे धीमे वो तो हर जिले में होते रहते हैं, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू गोरखपुर एंड अदर प्लेसेस आल्सो। अच्छा, एक नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी इज दिस, ओके। दूसरा और सर लॉ एंड ऑर्डर को, मतलब जो भी पहले से केसेस चल रहे हैं उनको लेके, जब आपके पहले एसएसपी के समय जो केसेस थे, यू आर गोइंग टू फाइनलाइज दोस केसेस? जी सर, पहले से भी जो केसेस हैं, मतलब पहले से कानपुर में। अच्छा, उनको जल्दी से जल्दी करके एक मैसेज देना होगा कि मतलब हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। हाँ। और उसके बाद उसके आगे जैसे हमको डेवलपमेंट की ओर बढ़ना होगा। हाँ। तो जैसे ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसको लेके देखना होगा कि ट्रैफिक कंजेशन क्यों होता है, व्हाट आर द थ्री बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ ट्रैफिक कंजेशन इन एनी प्लेस लाइक कानपुर और दिल्ली और अदर प्लेसेस। सर समय के साथ जो सिटी का एक प्लानिंग होती है, मास्टर प्लान होता है, वो बहुत बार नहीं किया जाता है। अच्छा, तो ये मुझे लगता है भारत के बहुत सारे शहरों में भी समस्या है। अच्छा, इंडिया में पुलिस रिफॉर्म्स की क्या स्थिति है? सर पुलिस रिफॉर्म्स पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसके बाद से थोड़े बहुत रिफॉर्म तो हुए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। अच्छा, जैसे पुलिस जो हमारे हायर, अच्छा एक चीज ये कहते हैं कि पहले जो टेररिज्म था वो नॉर्थ कश्मीर की तरफ था, जो लाइन ऑफ एक्चुअल ग्राउंड कंट्रोल है जहाँ पाकिस्तान से लोग आते थे। अभी इधर पिछले साल भर में हुआ जो साउथ कश्मीर है, साउथ कश्मीर में बहुत ज्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं टेररिज्म के, इसके पीछे क्या कारण है? सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इसमें डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि ओवरऑल कश्मीर में देखा, दिस इज योर स्पेकुलेशन और योर डेवलपमेंट इन द, सर स्पेकुलेशन ही है, कोई मुझे एग्जैक्ट नहीं पता सर इसका। अच्छा अच्छा, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं आप बता सकते हैं जिन्होंने कि कश्मीर की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार की कोई योजनाएं? सर अभी वहाँ पर जैसे जो वहाँ का युवा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, उसको लेके भी केंद्र सरकार बढ़ रही है, जैसे हिमायत योजना है, वहीं पे लोकल स्तर पे उनको जॉब दिलवाई जाए, तो ये सर लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा। केसर योजना का नाम सुना है आपने? सर अभी अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जो आप सोचते हैं जैसे ये डिमोनेटाइजेशन जो था, तो क्या इससे जो फेक करेंसी नोट्स आते थे उनकी संख्या में कमी आई इस स्कीम के बाद, या अभी भी आ रहे हैं उधर से? सर मुझे लगता है उस समय जब ये डिमोनेटाइजेशन किया गया था उस समय तो कुछ हद तक कमी आई थी, लेकिन अभी वापस ऐसा देखा गया है कि नकली नोट भी दिखे गए हैं, तो फिर से आने चालू हो। अच्छा, ये जो सरकार ने पहले कहती थी सरकार जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, तो लेकिन आप ये अगर देखिए एनसीआरबी के आंकड़े देखिए तो पिछले 10 सालों में बहुत ही कम केसेस हुए हैं, और शायद जो कोर्ट से सजाया भी प्रतिशत है 0.01% है, तो ऐसा क्यों है? जब कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस है तो बहुत केसेस होने चाहिए और अच्छी पैरवी होनी चाहिए, लेकिन फिर उसकी तरफ उसका तो परसेंटेज बहुत ही ख़राब है, 100 में से मुश्किल से 2 आदमी को सजा मिल पा रही है, तो कैसे इसको किया जाएगा? सर ये बहुत लॉन्ग टर्म है, जैसे जुडिशरी में भी है कि केसेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, पॉलिटिकल लेवल पे जो केसेस चल रहे हैं वो भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो सर प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा एरिया में है। अच्छा, और करप्शन? अच्छा एक चीज़ ये बताइए, जैसे पहली बार ये हुआ कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जज वो अपने कोर्ट से अपने हट गए,
और उसके बाद वो गए, यू नो दे वर सकम टू गो फॉर ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो ऐसा ऐसा क्यों हुआ, इसमें इसमें क्या आपकी क्या सोच है इसके बारे में? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा लगता है। अच्छा, कि जैसे अभी भी जजों का नियुक्ति हो रही है, अभी भी जो हुई थी उसमें भी लैक ऑफ, कहते देर वॉज ए लॉट ऑफ इंग्रीडियंट ऑफ बेंच हंटिंग। बेंच हंटिंग जानते हैं क्या होती है? जी ये बताइए, सर आप यूपी से हैं और कानपुर से हैं, गंगा के किनारे से हैं, सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी स्कीम है नमामि गंगे, कहाँ तक सरकार अब तक इस प्रोजेक्ट पे सफल हुई है? सर, नमामि गंगे जो स्कीम है पहले भी चल रही थी, तो सर काफ़ी मेजर है। जैसे अभी मैंने, अभी जो रिसेंट मैंने देखा है, कानपुर में जो बड़े नाले थे, जैसे एक सीसामऊ नाला है, वो शायद एशिया का भी सबसे बड़ा नाला है, तो वो अभी बंद हुआ है। ऐसे दो तीन और नाले हैं जो बंद किए गए हैं, उनका ट्रीटेड वाटर गंगा में छोड़ा जा रहा है। वो सफल तो हुआ है, लेकिन अभी उस लेवल तक नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लगता है रिसेंटली कुछ सालों में उसके परिणाम देखने चालू हो जाएंगे, क्योंकि गंगा सर बाकी शहरों से भी होकर गुजरती है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी बात डिमोनेटाइजेशन पर हो रही थी। सर्वे आया था 2016-17 का, तो उसमें बड़े नोट वर्सेस छोटे नोट पर एक टॉपिक था, और उसमें उसने कहा था कि जो बड़ा नोट है वो करप्शन के करप्शन को मोटिवेट करता है, यानी जितना ज़्यादा बड़ा नोट होगा करप्शन। तो हमारी सरकार ने क्या किया कि 1000 का नोट बंद कर दिया, उसकी जगह पर 2000 का नोट ले आई, और इधर वो कह रही है हम करप्शन को कम करना चाहते हैं। इस कंट्रोवर्सी को आप बीगा ऑफिसर जो है कैसे देखेंगे? ये चीज़ मुझे भी थोड़ी डाउटफुल लगी थी, लेकिन उसके बाद से मैंने देखा कि 2000 के नोट का चलन थोड़ा सा कम होता गया है, जब ये लाए गए उसके बाद से चलन कम हो गया। और उस समय मुद्रा चेंज करने का एक रीज़न तो ये था कि बड़े करेंसी में होता है जो मुद्रा को सेव करने का तरीका ज़्यादा रहता है, लेकिन एक रीज़न साहब ये भी था कि उन्हें मुद्रा भी चेंज करनी थी, नए नोट्स लाने का, उसको हटा के उन्हें। अच्छा, अभी नेपाल ने 200, 500 और 2000 के नोट को बैन कर दिया है, ये हमारा डिप्लोमेटिक फेल्योर है या कुछ और है? सर, कुछ हद तक डिप्लोमेटिक फेल्योर कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ जो नोटबंदी के बाद पैसे करेंसी कन्वर्जन किया गया था, तो जहाँ तक मुझे पता है नेपाल के लोगों के उस कन्वर्जन में फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि हमारी और इंडिया की नेपाल में जो बॉर्डर है पूरा मुक्त बॉर्डर है, और भारत की करेंसी भी वहाँ पर चलती है, तो बहुत लोगों के पास वहाँ पर अभी भी इंडियन करेंसी है जो बैन हो चुकी है, और वो अभी भी शायद वहाँ पे चल रही थी, और आरबीआई उसको लेने से। अच्छा, एक नेशन में वेलफेयरनेस के लिए आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट टैक्सेस को ज़्यादा उनका बेस बढ़ाना चाहिए या इनडायरेक्ट टैक्सेस का? सर, मुझे लगता है कि डायरेक्ट टैक्सेस का बेस बढ़ाना चाहिए, और बहुत सारे विकसित देशों में भी ऐसा है कि वहाँ डायरेक्ट टैक्सेस का बेस ज़्यादा है, क्योंकि सर डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सभी पे समान रूप से लगता है, तो इसके ज़्यादा बेनिफिट भी है। और दूसरा, इकोनॉमी के लेवल से भी देखें, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो यहाँ पर टैक्स कम करना पड़ेगा चीज़ों पर, ताकि वो बाहर एक्सपोर्ट हो सके, तो उस वजह से मुझे लगता है। जो GST लाया गया, जी सर, और कहा गया कि अब हम वन नेशन वन टैक्स के उसमें आ गए हैं, बट GST अपने आप में 3 GST हैं, और उसमें भी जो स्लैब्स हैं वो कुछ डिक्लेयर्ड हैं और कुछ तो ऐसे हैं जैसे गोल्ड मेकिंग पे या बहुत छोटे छोटे, या आप देखें कि ट्रांजैक्शन बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे, रेल टिकटिंग पे 0.5% पर, तो ये फिर वन टैक्स कहाँ पर हुआ? एक्चुअली सर, इसको जो वन टैक्स बोला जा रहा है ये कर संरचना के रूप में बोला जा रहा है। स्लैब तो इसमें बनाए गए हैं 4, लेकिन इन स्लैब को भी अब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इनको और कम किया जा सकता है, जैसे जो 12-18 है उसको कम करके एक स्लैब लाने का ट्राई किया जा रहा है, तो अभी तो सर हैं 4 स्लैब अभी तो। अच्छा, जैसे ये बार बार आरोप लगाता है यहाँ पर प्रतिपक्ष या तमाम ये कि हमारा जो GST है वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये विदाउट प्लानिंग जो है वो इसकी शुरुआत की गई, इंट्रोड्यूस किया गया, आप क्या मानते हैं? सर, GST को लाने के लिए पिछले कई सालों से प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जो भी उसमें टेक्निकल थे, जैसे टेक्निकल चीज़ें थी और जो साइट को लेके इशू था, उसमें थोड़ा सा लगता है कि जल्दबाजी की गई, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी नई चीज़ आती है तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएँ आती हैं, तो मुझे लगता है वही चैलेंजेस शायद इसमें दिया है। अच्छा, ये बताइए, जो पिछले एक दशक से ज़्यादा हो चुका हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है, हम FRBM एक्ट के अंतर्गत उसको वेल अनुशासित बनाना चाहते हैं,
लेकिन हमारी जो सोशल इकोनॉमिक नीड्स हैं वो हमें ज़्यादा वित्त पोषण के लिए इस प्रकार की स्कीमों को बाध्य करती हैं, तो हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? सर मुझे लगता है FRBM एक्ट जो एक डिसिप्लिन लाता था कि हम कितना लोन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, वो एक लेवल तक ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वर्ल्ड वाइड भी जैसे सर कुछ जैसे अभी सब टाइम संकट आया था 2008 में आया था, अभी भी वर्ल्ड वाइड ग्रोथ रेट कम हो रही थी और कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो कभी कभी उससे आगे जाया जा सकता है, लेकिन ये हमेशा ना हो, उसको वापस जो टारगेट सेट किया गया उसी टारगेट पर लाया गया। अच्छा, जैसे अभी आपने अमेरिका में देखा शटडाउन की जो स्थिति आई, इससे पहले भी ट्रंप गवर्नमेंट में आ चुकी है, ये इंडिया में ऐसा शटडाउन कभी आया है? अगर नहीं आया है तो क्या कारण है कि शटडाउन नहीं आ पा रहा है आता है यहाँ? सर यूएसए में जो शटडाउन इस वजह से आया है कि सर इंडिया यूएसए की उसमें जैसे इंडिया में अगर आप पास कराते हो तो बजट पास होने के बाद इंडिया गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है खर्च करने के लिए, यूएसए में भी ऐसा है कि वहाँ पे भी बिल लाना पड़ता है और कांग्रेस में लाना पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि सर जो गवर्नमेंट बिल लाती है उसी की ही गवर्नमेंट होती है, बिल अगर फेल हो गया तो गवर्नमेंट भी फेल हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे क्या है कि सर वहाँ पे कांग्रेस है जहाँ पे जो भी नहीं है कि प्रेसिडेंट का ही मेजोरिटी है, इस वजह से बहुत बड़ा बिल पास नहीं होता। अच्छा, जैसे एक ये बताइए जो सॉवरेन डेट और नेशनल डेट, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है? सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता सर इसका। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि यह है क्या सॉवरेन डेट? कोई बात नहीं, भारत आने वाले समय में एक बिग पावर के रूप में देखा जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि आप उसे एक सैन्य ताकत के रूप में देखना चाहेंगे कि एक ज्ञान आधारित ताकत के रूप में देखना चाहेंगे कि एक सांस्कृतिक ताकत के रूप में देखना चाहेंगे? सर मैं ज्ञान आधारित ताकत के रूप में देखना चाहूँगा। अच्छा, क्योंकि तो आगे भी जो जर्नी होगी बहुत सारे देशों की वो ज्ञान पे ही ज़्यादा बेस्ड होगी और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी वैसे ही होगी। तो फिर हमको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करने की बजाय ज्ञान की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चाहिए और उसमें रूट लेवल पे कुछ चेंजेस करना चाहिए? सर दोनों लिंकेज हैं, मुझे लगता है अगर ज्ञान आपका ज़्यादा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे भी प्रोग्रेस होगी, R&D अगर जितनी ज़्यादा ज़्यादा होगी तो जो हो रहा है इकोनॉमी है उसको फ़ायदा मिलेगा ही, मुझे लगता है सर। नहीं, अच्छा, जैसे आप भारत का जो असेट है वो कल्चरल असेट है, हमने दुनिया को मतलब एक सांस्कृतिक, और अभी देखिए हमारे आपका यूपी में कुंभ जो हो रहा है उस पर सरकार खुद इनिशिएटिव ले रही है, तो अगर हम इस प्रकार की इकोनॉमी को, हमारे पास इतना स्पेस है, इसको ज़्यादा मोटिवेट करें, क्या संभावना है आपको दिखती है? सर सांस्कृतिक अगर हम मोटिवेट करेंगे भी तो लेकिन हमारे पास बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है, उस लार्ज पॉपुलेशन को चलाने के लिए उनके लिए इनकम का सोर्स ढूंढने के लिए मुझे लगता है सर सिर्फ सांस्कृतिक के बेस पे आप उनको रोजगार नहीं दे सकते, रोजगार देने के लिए सर आपको ज्ञान की ओर मुंह करना पड़ेगा। मेरी तरफ से अंतिम क्वेश्चन है, इस समय एक आपने ट्रेंड देखा होगा अमेरिका फर्स्ट, रशिया फर्स्ट, चाइना फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट हो, हम इसके लिए क्या करें? सर मुझे लगता है मेक इन इंडिया जो है पॉलिसी एक तरह से वो इंडिया फर्स्ट करके ही ट्राई किया गया है कि इंडिया को ही हम वो करें। नहीं तो अमेरिका फर्स्ट केवल एक क्षेत्र में नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट नहीं है, अमेरिका फर्स्ट मतलब इन होल इकोनॉमिक पावर के रूप में, मिलिट्री पावर के रूप में, जियो स्ट्रेटेजिक संदर्भों में बैलेंस उधर है, ऐसा मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्या आप ऐसा? सर मुझे लगता है कि जैसे अभी इंडिया को साइलेंटली राइज करना चाहिए, जो पावर है कि एक्चुअल में इंडिया उस लेवल पर हुआ है कि नहीं, क्योंकि अभी इंडिया की इकोनॉमी बहुत छोटी है $2.6 trillion की है और उसके साथ साथ जो पॉपुलेशन है जो वो कवर करती है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ओके। राहुल, अखबार तो आप पढ़ते होंगे, आए दिन अखबारों में देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर EVM मशीन को लेकर सरकार पर ब्लेम करते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि ये चुनाव सरकार तो नहीं करा रही, चुनाव तो एक संवैधानिक संस्था करा रही है, और अगर इस तरह का ब्लेम किया जा रहा है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसके अगेंस्ट आप ब्लेम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन उन कैंडिडेट के लिए अगेंस्ट में FIR लॉन्च करती है, एक तरह तो उसकी संवैधानिकता पर ही सवाल है, आपके क्या विचार हैं?
मुझे लगता है कि सर किसी भी जो इतना बड़ा लोकतंत्र है भारत, इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं उठने चाहिए, लेकिन साथ ही में पक्ष और विपक्ष दोनों में ऐसे मुद्दे होते रहते हैं ईवीएम को लेकर। और ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, पहले भी वोट्स होते थे तो पहले जब ईवीएम नहीं थी तब भी बूथ के साथ छेड़छाड़ ये सब घटनाएं होती रहती थी, तो अभी भी अगर फ्यूचर में भी हम और भी डेवलप करेंगे तब भी ऐसी प्रॉब्लम्स उठती रहेंगी, मतलब जो विपक्ष होगा ऐसे। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल है चुनाव कराने के लिए हमारे यहाँ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, अगर वो चुनाव कंडक्ट करती है और आप ईवीएम के छेड़छाड़ की घटना को लेकर शिकायत करते हैं तो ये तो उस इंस्टीट्यूशन के क्रेडिबिलिटी पे सवाल है ना, तो फिर वो क्यों नहीं इनिशिएटिव कोई भी लेती है, ये मैं जानना चाहता हूँ। इसमें निर्वाचन आयोग को चाहिए कि ईवीएम की रोके जो बातें की जा रही हैं उनको भी आश्वस्त किया जाए विपक्ष को भी, क्योंकि विपक्ष का ऐसा क्वेश्चन करना भी सही है और उसको आश्वस्त करना भी बहुत जरूरी है कि ऐसा कहीं से भी माहौल ना बने देश में कि ऐसा लगे कि ईवीएम हैक हो रही है, तो ऐसा किया भी जाता है सर इलेक्शन के पहले। मेरा दूसरा सवाल आपसे है, अभी आपने देखा होगा कि मार्च में सीटस था उसको रिस्टोर करने के लिए हमने कानून पास कर लिया, आपको नहीं लगता है कि न्यायपालिका के विरुद्ध विधायिका का यह कृत्य हमारी संवैधानिक संस्थाओं के मध्य टकराहट को बताता है, इससे जनता में क्या मैसेज जाएगा, आप क्या समझते हैं? सर मुझे लगता है लोकतंत्र में जो संस्थाएं हैं तीनों सब में बैलेंस बहुत जरूरी है, और ये जो टकराहट है ये शुरुआत में भी चलती रही है और अभी भी थोड़ा बहुत चलता रहता है क्योंकि इश्यूज पे लेकर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट जो है वो हमको कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर आगे बढ़ना है, अगर कोई भी डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर ही लिया जा रहा है तो फिर वो सही होगा। आपको लगता है सरकार का यह कदम सही है? सर मुझे लगता है कि अभी जब इस एक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था तो करंटली ऐसा है कि अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि समाज में उनको लेकर वैसा भाव बना हुआ है, अभी भी एससी एसटी के बहुत सारे वर्ग दबे कुचले वर्ग में है जो उनको लेकर केसेस भी डाले गए हैं, उन केसेस का भी रिजल्ट वैसा नहीं आ पा रहा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि पुलिस भी उस तरीके से काम नहीं कर पाती। ठीक है, अभी सबरीमाला मंदिर को लेकर काफ़ी न्यूज़ चर्चा में रहे, क्या यह लैंगिक भेदभाव से संबंधित मामला है या कुछ और मामला है सर्वोच्च न्यायालय की निगाह में, यह किस प्रकार का मामला है? सर सर्वोच्च न्यायालय ने इसको समानता के अधिकार के तहत भी माना है, छुआछूत अस्पष्टता के अधिकार के तहत भी इसको चलेंगे। क्या यह लैंगिक भेदभाव का भी सर लैंगिक भेदभाव किस प्रकार? सर अगर पुरुषों को जाने का वो दिया जाए, लेकिन इसमें लैंगिक भेदभाव सर सॉरी सर मैं सही करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें सर महिलाओं को जाने का अधिकार तो था पहले भी लेकिन वो पर्टिकुलर एज को लेकर था, तो इसको लैंगिक भेदभाव तो नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पूर्व व्याख्याओं में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात की कि किसी भी धर्म के कुछ ऐसे विचार जो धर्म की मूल भावना से हैं। सबरीमाला के केस में अयप्पन का अस्तित्व अगर आप देखें तो वो ब्रह्मचारी हैं, तो उनकी मूल मान्यताएं कि निश्चित अवधि की महिलाएं जो शारीरिक दृष्टिकोण से पवित्र नहीं है ना जाएं, तो आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक जुडिशियल पोपिज्म यानी न्यायिक पोपवाद को बता रहा है, यह निर्णय कहीं ना कहीं बहुत हद तक तर्कसंगत नहीं? सर इसमें मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा, जैसे जो भगवान अयप्पा का मंदिर है ये साउथ में और भी बहुत सारी जगह पे है और बहुत सारी जगह पे वुमेंस को अलाउ भी किया गया है, और दूसरी बात सर समानता का अधिकार मुझे लगता है उससे ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे राइट्स में टकराहट होती रहती है, तो उसमें किस अधिकार को वैल्यू ज़्यादा देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट भी उस चीज़ों को देखता है, तो समानता का अधिकार को ज़्यादा वैल्यू दिया गया, साथ ही अस्पष्टता के अधिकार को ज़्यादा वैल्यू दी गई, क्योंकि आप सिर्फ मासिक धर्म के बेस पे आप उनको उनका आना कैंसिल नहीं कर सकते। ये तो एसेंशियल प्रैक्टिसेस से जुड़ा मामला है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों में कुछ और कह रहा है और बाद के निर्णयों में कुछ और आधार, तो ये न्यायालय का कदम आपके हिसाब से लॉजिकल है या? सर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं माना है, अगर मुझे पता है इसको एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं कहा है, और शायद क्योंकि भारत में बहुत सारी आस्थाएं हैं तो कौन सी एसेंशियल प्रैक्टिस होगी उसमें भी लेके डिबेट हो सकती है, तो ये तो मुझे काफ़ी प्रोग्रेसिव डिसीजन लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको समाज को प्रोग्रेसिव डायरेक्शन पर लेकर जाना है, तो उसमें धर्म का एक रोल तो होगा लेकिन धर्म कहीं पर भी बाधक नहीं होना चाहिए किसी एक वर्ग को पीछे ले जाने में। ठीक है, चलिए आपको क्या लगता है कि नक्सलवाद विधि व्यवस्था का प्रश्न है या सामाजिक आर्थिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है, आपके क्या तर्क हैं, स्पष्टता बताएं? सर जब ये स्टार्ट हुआ था तब उस समय सामाजिक सरोकार भी काफ़ी ज़्यादा था और विधि व्यवस्था भी थी, अभी वर्तमान में सामाजिक वर्तमान में जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट काफ़ी कार्य कर रही है डेवलपमेंट के रूप में। मैं पूछ रहा हूँ मुद्दा है क्या, ये समस्या किस रूप स्वरूप का है?
नेचर क्या है? सर, जिस समय ये स्टार्ट हुआ था उस समय तो सामाजिक समस्याएं थी उसमें काफ़ी ज़्यादा, अब धीमे धीमे वो कम होती गई, करंट सिनेरियो में वो कम हो। मेरा आखिरी सवाल आप जी से, आए दिन हम नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद ये सब शब्द पढ़ते हैं, बेसिक डिफरेंस अगर एक एक लाइन में पूछूं तीनों में तो क्या आप बताएंगे, उग्रवाद, नक्सलवाद और आतंकवाद? सर, जैसे आतंकवाद का जहाँ तक मुझे लगता है, आतंकवाद किसी विचारधारा से प्रेरित होता है और उस विचारधारा को लेकर आतंक का प्रयास किया जाता है, जबकि नक्सलवाद में मुझे लगता है कोई विचारधारा नहीं होती है, ये देश के अंदर ही अपने अधिकारों की मांग के लिए। नक्सलवाद में कोई विचारधारा नहीं सर, अपने अधिकार और समानता की बात को लेकर, मतलब विचारधारा जैसे आतंकवाद है उसमें धार्मिक भी हो सकती है या फिर किसी और तरीके से भी विचारधारा हो सकती है, लेकिन नक्सलवाद में सर ऐसा नहीं, उसमें समानता का बहुत ज़्यादा होता है। समानता के उग्रवाद क्या है सर? उग्रवाद भी सर कन्फ्यूजन, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। Rahul, you also worked as software engineer. Yes, sir. So how come this your knowledge of software engineering help you in administration? Just suppose you become IAS, do you have any roadmap that while working as a DM, you will use your this software skill to improve the quality and the delivery for the people? Sir, अभी भी जैसे मैं job कर रहा हूँ तो मुझे software field का फायदा लग रहा है कि जो टेक्निकल थिंग्स है मैं जल्दी कवर अप कर पाता हूँ, जल्दी उसके बारे में सोच पाता हूँ, उनका यूज भी कर पाता हूँ। अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में उसको लेकर जाते हैं, आगे का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारा आईटी ओरिएंटेड ही होगा, और आईटी ओरिएंटेड होने से जो हमारी सर्विसेज हम दे रहे हैं उसमें एक डेमोक्रेटिक वे आ पाता है ताकि सभी को समानता के साथ अधिकार प्राप्त हो। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ उसको मैनेज कर सकता है। योर गवर्नमेंट आल्सो प्लानिंग फॉर डिजिटल इंडिया आवर न्यू होप, बट यू डोंट थिंक आवर द मेन पीपल लाई इन villages, they are illiterate in computer, even the power and infrastructure is absent there. So you don't think this is a kind of planning, this is a kind of approach and vision which is not very feasible, and how can you improve the basic the rural people? Sir, मुझे लगता है कि जो आपने points बोले हैं सर बिल्कुल सही हैं कि अभी ये problems तो हैं गांव में, लेकिन digital India अगर आप future को लेकर चलें तो जैसे किसानों की भी कुछ जो समस्या है उसका सॉल्यूशन अगर हमको देना है तो बहुत सारे सॉल्यूशन हम डिजिटल के थ्रू ही दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उस ओरिएंटेड होके उनको उनको लर्न कराना, उसके बारे में अवेयर कराना, ये काफ़ी अच्छा मूव है। और प्रॉब्लम्स तो हैं, एनर्जी सेक्टर में भी काम किया जा रहा है, यही डिजिटल सेक्टर में भी गवर्नमेंट काम कर रही है। जो डिजिटल इंडिया का हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो फ्रेमवर्क है, उसमें गाँव है क्या? जी सर, ब्रॉडबैंड के थ्रू गाँव को जोड़ा जा रहा है एक उसमें, और वहाँ पे पंचायत लेवल पे उनको एजुकेशन देना, और बाकी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं। इन लास्ट 5 to 10 years, यू हैव ए स्पैन ऑफ 10 years, टेल अस हाउ दिस टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड द फार्मर्स आर हैविंग सम वेलफेयर प्रोग्राम्स आर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया एंड द फार्मर्स? 3 points एनीथिंग सर, मैंने जैसे केस स्टडी में पढ़ा है, जैसे कुछ आपदा आ जाती है तो आपदा लेवल पे भी ये टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है कि आपदा कहाँ कहाँ है। तो दूसरा, अगर आपदा के बाद किसान को वापस अपना मुआवजा लेना है तो भी वो किस अपनी फ़ोटो खींच के खेती उससे भी वो रिक्वेस्ट कर सकता है। बाकी जैसे ई नाम है, ई नाम भी पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत आगे खाया जाता है। और बाकी नई नई इन्फॉर्मेशन जो एग्रीकल्चर की हमको अगर किसानों तक पहुँचानी है तो उसके बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं, और वो ऐप लोकल लैंग्वेज में ही बनाए जाते हैं, और वो भी आप उसमें फोन से। डू हैव एनी केस स्टडी लाइक दिस, लाइक सॉइल हेल्थ कार्ड? दिस इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड वेरी, यू कैन से द ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इन तेलंगाना देयर इज अ मॉडल ई सागू, हैव यू हर्ड अबाउट दिस ई सागू मॉडल? ई सागू, ओके। नाउ कम टू योर पॉइंट, यू आर फ्रॉम कानपुर, अभी सरकार बहुत सारी, आप ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारी, ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अभी वाटरवे प्रोग्राम शुरू हुआ, और आप जानते होंगे कि कलकत्ता से लेकर और इलाहाबाद तक, बीच में बनारस का ड्रेनेज थोड़ा कम था उसमें भी, लेकिन हम ले आए क्रूज। वंस यू आर टॉकिंग अबाउट नमामि गंगे एंड आई दिस सेलिब्रेटिंग कुंभ एंड ऑल, और उस पर फिर आप ट्रांसपोर्टेशन के ऐसे मीन्स ला रहे हैं जिससे जो है पॉल्यूशन और अन्य माध्यम जो उसका होलिस्टिक अप्रोच है वो गड़बड़ होगा, तो ये दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? नहीं सर, मुझे लगता है कि सर जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन भी आपको ये देख के करना होगा कि उससे पॉल्यूशन ना हो,
क्योंकि आप फॉरेन दूसरे देशों में भी देखेंगे, यूरोपीय देशों में भी, वहाँ पे भी नदियों में जहाँ चलते रहता है और वहाँ पे भी पॉल्यूशन नहीं होता, बहुत सी नदियाँ साफ हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी वैसा किया जा सकता है। और ऐसा अगर आप जिस एरिया की बात कर रहे हैं, जैसे इलाहाबाद से लेकर कोलकाता, तो ये कनेक्ट करेगा हमारे कोलकाता पोर्ट को सीधा, बहुत ही कम रेट पर कनेक्ट करेगा, तो बहुत अच्छा इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। ये वाटरवेज क्यों हम अचानक इतना देर से डेवलप किए, और जबकि आप जैसा बता रहे हैं कि चीप होगा और बहुत इजी होगा, कंफर्ट होगा, फिर भी हमारी सरकार, हम नदियों का देश रहा है भारत, फिर भी हम इस पर इतना काम पहले क्यों नहीं कर पाए? हाँ सर, थोड़ा सा लेट तो हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक इकोनॉमी होती है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हमारा स्टेट डेवलपिंग कंट्री रहा है, तो हमको बहुत सारे चैलेंजेस देख के चलने रहते हैं कि प्रायोरिटी सेट करते हैं किस प्रायोरिटी को पहले किया जाए। आज बजट पेश हुआ होगा, अंतरिम बजट, आपने देखा उसको? थोड़ा बहुत। क्या आपको बेस्ट 3 पॉइंट ऐसे लगे जो आप उम्मीद नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी वो आए और पॉजिटिव हैं? एक तो सर मैंने इनकम का जो देखा, इनकम टैक्स से जो रिलेटेड है, 5 लाख तक में रिबेट दी गई है पूरी इनकम, तो वो मुझे लग नहीं रहा था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसकी जगह रोल ये होगा कि हम जो 80C के तहत डिडक्शन देते हैं उसका बढ़ाया जाएगा ताकि इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिले। और दूसरा जो किसानों को लेकर एक जो योजना लाई गई है जिसमें 6,000 तक उनको 2 हेक्टेयर से कम वाला, तो वो योजना भी ठीक है। अच्छा, आजकल सब सरकार भी विपक्ष भी सब ऐसा लग रहा है कि पहली बार सही मायने में वेलफेयर बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI कर देंगे, कोई 6,000 रुपये डालने की बात कह रहा है, कोई कहता आएंगे तो हम लोन माफ़ कर देंगे। तो ये अगर ये सारी चीज़ें अगर होनी थी तो फिर तो समस्या की जड़ ही समाप्त हो जाती। ये अचानक इस तरह की बातों में इसमें कोई वास्तविकता है या सब पॉपुलरिस्टिक मेजर्स हैं? सर कुछ स्कीम्स में वास्तविकता है, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है इसकी बात वर्ल्ड वाइड भी हो रही है, स्विट्जरलैंड ने बात करी, और वहाँ वजह बस दूसरा है, वहाँ पे वजह ये है कि वहाँ पे ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इस वजह से इसकी बात की जा रही है। और किसानों को पैसे देने की जो बात है, डायरेक्ट बेनिफिट देने की, ये तेलंगाना में ऑलरेडी चल रही थी, उड़ीसा में भी चल रही थी, उसकी भी स्टडी की गई। हाँ कुछ हद तक हो सकता है कि पॉलिटिक्स में जल्दी हो, क्योंकि इलेक्शन से पास। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह हम राइट्स देते हुए और पॉपुलर मेजर्स लेते हुए हम लोगों को डिपेंडेंट बना रहे हैं, उन्हें एक तरह से हम अपंग बना रहे हैं? हम राइट्स देते हैं, हम राइट टू फूड ला रहे हैं, हम इसी तरह की मनरेगा, हम राइट टू जॉब की बात कर रहे हैं, हम पैसे अब देने लगेंगे, तो ऐसा नहीं लगता कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंस है इसे हम डिपेंडिंग डेमोक्रेसी बनाने जा रहे हैं, डिपेंडिंग जो है हम वो बनाने जा रहे हैं डेमोग्राफिक? हमें तो चाहिए उन्हें स्किल, हमें तो चाहिए उन्हें जो है पावर बनाना, इस तरह की जो स्कीम्स है, डू यू थिंक इन लॉन्ग रन दिस हार्म आवर नेशन? सर ये काफ़ी डिबेटेबल है, जैसे लॉन्ग रन पे अगर आप किसी को डायरेक्ट पैसे दे सकते हो, पहले भी बहुत ऐसी स्कीम चली है, तो वो अपने हित पर खर्च करेगा, अपनी फैमिली के हित पर खर्च करेगा, या फिर उन पैसों को खराब कर देगा, इस पर डिस्कशन होता रहा है। तो अभी जैसे करंटली जो यह है, ये एक स्टडी की गई थी यहाँ पे MP साइड MP के पास, वहाँ पे इंदौर के पास लोगों को पैसे दिए गए थे और उनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी हुई उसके बाद, शायद उसके बाद में ये स्कीम लिया गया। अच्छा, अगर टैक्स रिफॉर्म पर आपसे बात कही जाए तो 3 ऐसी बातें जो आपको लगे ये टैक्स रिफॉर्म जरूरी है इस देश के लिए? सर अगर हम डायरेक्ट GST, तो अभी इनडायरेक्ट टैक्स में काफ़ी बड़ा रिफॉर्म हो चुका है, अगर हम डायरेक्ट टैक्स में बात करें तो अभी DTC कोड लाने की बात की जा रही है। इसमें सर अभी जो हमारी पॉपुलेशन है बहुत कम ही कवर होती है, अराउंड 4-6% वोटर ही अभी डायरेक्ट टैक्स के अंदर में आता है, ये बढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी मेजर्स लेने होंगे, इसको ज़्यादा ही लोगों तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी बनाना होगा, इसमें टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो DTC काफ़ी बड़ा स्मेल करेगा। अच्छा, अभी साइना नेहवाल कोई टूर्नामेंट जीती हैं? सर ये इंडोनेशिया, पर वो बहुत खुश नहीं थी गोल्ड मेडल और चैंपियन बनने के बाद भी, क्यों? क्योंकि सर फाइनल का गेम पूरा नहीं हो पाया था, वो कैरोलिना मारिन जो थी उनके अपोजिट में वो इंजर्ड हो गई थी उसमें। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड, पिछले 5 साल में ऐसा क्या लगता है आपको कि ये कार्रवाई, ये कदम, ये प्रोग्राम जरूर आना चाहिए था सरकार की तरफ से, और एक प्रोग्राम ऐसा क्या लगता है जो आपको लगना चाहिए नहीं होना चाहिए था? सर मैं एजुकेशन के लेवल पे चाहता था कि एजुकेशन के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, वो ड्रास्टिक चेंज ला सकते थे, वो नहीं आ पाए, वो नहीं आ पाए। और क्या आया जो, और जैसे आने में तो सर मुझे 2-3 पॉइंट लगते हैं, स्वच्छ भारत मिशन
का अभी उतना आउटपुट नहीं दिख रहा है, लेकिन एक जो लोगों की सोच है उसको लेके, स्वच्छता को लेके, वो काफ़ी हद तक चेंज हुई है। और ओके, थैंक यू, यू कैन गो, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।